हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे गाइस। उस टाइम पर आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ उसमें मैं चेक करने वाली हूँ इस टाइम पर जिन भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, उनकी लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में इस टाइम पर क्या कुछ चीज़ें हैं, उनकी लाइफ की एनर्जीज़ को मैं निकालूंगी, यानी कि इस टाइम पर क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में। सो करेंटली एनर्जी उन पर्सन के लिए एंड एनर्जीज को पूरा लेने की मैं कोशिश करूंगी। सो गाइस कमेंट सेक्शन में उन पर्सन का नेम ज़रूर से लिखें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें ओम नमः शिवाय, थैंक टू यूनिवर्स एंड पॉजिटिव होकर देखें इस रीडिंग को। जिन भी पर्सन के बारे में इस टाइम पर आप सोच रहे हैं अपनी लाइफ में, ये पर्सन इस टाइम पर कैसा महसूस करते हैं, क्या महसूस करते हैं ये पर्सन इस टाइम पर। जनरल बेसिस की रीडिंग है गाइस, आपके साथ में रेजोनेट करती है तभी आप इस रीडिंग को देखेंगे, वरना आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं। कि जो भी पर्सन है जिनके बारे में इस टाइम पर आप सोच रहे हैं इनकी पर्सनल लाइफ की एनर्जी इस टाइम पर क्या कुछ आ रही है। क्वीन ऑफ सोट्स, हैंगमैन, द वर्ल्ड। सो मेरे पास मैं माइनर अरकाना से क्वीन ऑफ सूट्स की एनर्जी, हैंगमैन की एनर्जीज, द वर्ल्ड की कार्ड की एनर्जी एंड डेथ की एनर्जी। सो यहाँ पर ये पर्सन स्टैम्प पर जैसे कुछ अपने ऊपर बर्डन को महसूस कर रहे हैं। अभी करंटली एनर्जी आ रही है इन पर्सन की, जैसे पर्सन को कोई कन्फ्यूजन है अपनी लाइफ में, किसी टाइप का किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन जो है इस टाइम पर इन पर्सन के मन में जो है बना हुआ है। कुछ सोच रहे हो जैसे ये पर्सन, या फिर किसी बारे में डिसीजन लेने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हो, और कोई कंट्रोलिंग एनर्जी यहाँ पर इस टाइम पर मुझे इन पर्सन की लाइफ में दिख रही है। तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इस टाइम पर वर्कलोड मुझे नज़र आ रहा है, या फिर किसी थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पर्सन है जो कोई भी हो सकते हैं, इनके फ्रेंड में से, फैमिली में से, या फिर इनका करियर भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको लेकर भी इस टाइम पे पर्सन उनकी तरफ से जो है बर्डन को महसूस कर रहे हैं, उनकी बातों से जो है कंफ्यूज हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग जो है किसी पर्सन के साथ में इनकी प्रॉपरली नहीं बन रही है, ऐसी एनर्जी को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कोई चेंज की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जैसे अभी इस टाइम पर इनकी लाइफ में कुछ जो है कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, सडनली इनकी लाइफ में जैसे कोई प्रॉब्लम आई है, या फिर अचानक ही इनकी लाइफ में जो है कोई प्रॉब्लम आई हो, या फिर सडनली पर्सन जो है कोई ट्रैवलिंग की भी एनर्जी हो सकती है कि सडनली जो पर्सन है इनको अपनी लाइफ में स्टैम्प पर ट्रैवल करना पड़ रहा है, या फिर कोई बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, कुछ भी ऐसा है जिससे बहुत ज़्यादा स्टैम्प पे पर्सन जो है कहीं ना कहीं शांत मुझे नज़र नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी भी नज़र आ रही है जिससे बहुत ज़्यादा पर्सन स्टैम्प पर टायर्ड है, थके हुए हैं, डीपली थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग भी चल रही है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, किसी चीज़ की प्लानिंग बनाने की पर्सन कोशिश कर रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है इन पर्सन की। एंड सेलिब्रेशन की एनर्जी स्टैम्प पर इन पर्सन के लिए निकल कर आई, यानी कि ऐसी एनर्जी हो सकती है कि जैसे पर्सन किसी जो है इस टाइम पर मैरिज में जा रहे हों, या फिर इनके घर में कोई जो है मैरिज हो, बर्थडे इनका हो सकता है, कोई ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नकल कर आ रही है, किसी चीज़ का जो है इस टाइम पर इनके घर में सेलिब्रेशन हो सकता है, या फिर किसी सेलिब्रेशन में जो है ये पार्ट बन सकते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। एक्सिस्टेंस की एनर्जीज के लिए मैं यहाँ पर कार्ड लूँगी, किस चीज़ की एग्जिस्टेंस है यहाँ पर इस कार्ड में, गाइडेंस, कोई इस टाइम पर ऐसी एनर्जी मुझे मिल रही है कि जैसे इस टाइम पर इन पर्सन को कोई गाइड कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसी बातें हैं जिससे मुझे लग रहा है इस टाइम पर पर्सन जैसे किसी गाइडेंस में आ रहे हैं, कोई इनको गाइड कर रहे हैं, कोई भी हो सकते हैं जिससे भी इस टाइम पर पर्सन जो है गाइडेंस रिसीव करना चाह रहे हो, कोई फीमेल की भी एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही कि कोई फीमेल हो सकते हैं जिनसे इस टाइम पर पर्सन जो है कोई गाइडेंस ले रहे हैं, कुछ चीज़ों के लिए ये पर्सन जो है डिसीजन लेना चाहते हैं बट बार बार जो है उस चीज़ को टाल रहे हैं, ऐसी एनर्जी को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कोई चीज़ ऐसी है जो बार बार इनको रोक रही है, कोई रुकावट अपनी किसी चीज़ में पर्सन जो है इस टाइम पर महसूस कर रहे हैं, जो भी पर्सन है ये किसी चीज़ की रुकावट को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। टर्निंग इन, कोई चेंज भी इस टाइम पर इन पर्सन की लाइफ में मुझे एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है सडनली, कि जैसे इन पर्सन की लाइफ में कोई चेंज आ रहा है, जैसे कोई सडन चेंज आया है, सडनली सारी चीज़ें जो है चेंज हो रही है, या तो चेंज चीज़ें हो चुकी है, या फिर डे बाय डे जो है चीज़ें चेंज होने वाली हैं, कोई ऐसा चेंज आने वाला है बहुत जल्द इस टाइम पर इन पर्सन की लाइफ की एनर्जी मुझे मिल रहा है, जिसमें अनएक्सपेक्टेड चेंज हो सकता है कि जिससे इन पर्सन के मन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर इन पर्सन की लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो एनर्जी को मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि आखिर वो क्या चीज़ें हैं, क्या कुछ चेंजेस हैं जो इनकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाले हैं जो मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रही हूँ। कुछ चीज़ें इस टाइम पर अभी भी मौजूद हैं ऐसी जिसमें ये पर्सन को मैं देख रही हूँ कि
बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में से पर्सन इन्वॉल्व हो रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ के लिए कोई डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ पर टू ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए, कोई लविंग एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है जो इन पर्सन के मन में कहीं ना कहीं इस टाइम पर है आपके लिए। आपके लिए कोई लविंग एनर्जी इस टाइम पर पर्सन महसूस कर रहे हैं, जैसे पर्सन इस टाइम पर आपको कुछ देना चाह रहे हो, आपको कुछ देना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है। कोई जैसे मैरिज की एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है, जैसे पर्सन आपसे मैरिज का प्रपोजल जो है आपको देना चाहते हैं, या फिर मैरिज के बारे में जो है आपसे बात करना चाहते हैं। साथ में एस ऑफ पेंटिकल भी एनर्जीज भी है यहाँ पर, जो मुझे बता रही है कि पर्सन आपको कोई स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, और उसमें अगेंस्ट एनर्जीज आई है मेरे पास में एस ऑफ कप्स की, जो मुझे यहाँ पर बता रही है कि पर्सन आपको कुछ देना चाह रहे हैं इस टाइम पर। कोई आपने हेल्प करी है इन पर्सन को, कोई ऐसी हेल्प जब शायद उतनी ज़्यादा हेल्प आप इनको ना भी कर पाते, बट आपने जो है आउट ऑफ द वे जाकर इन पर्सन को जो है बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, जितना बहुत ज़्यादा मतलब आप हर तरीके से जैसे कर सकते थे आपने उस टाइम पर जो है इन पर्सन को हेल्प करी है, ऐसी एनर्जी को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और उस चीज़ को याद कर रहे हैं ये पर्सन इस टाइम पर, और जिससे मन में एक तरीके से इन पर्सन ने इरादा बनाया है, या फिर इस टाइम पर पर्सन सोच रहे हैं कि आपको वो चीज़ें ये पर्सन लौटाना चाहते हैं, या फिर आपके साथ भी जो है अगर आपने इनके साथ में कभी कुछ अच्छा किया है, या फिर कभी आपने इन्हें कोई हैप्पीनेस दी है, कोई खुशी दी है, तो ये पर्सन जो भी है इस टाइम पर इनकी भी ऐसी एनर्जी मिल रही है जैसे आपको कुछ देना चाहते हैं रिटर्न में, कोई हैप्पीनेस देना चाहते हैं, और कोई आपकी लाइफ में हैप्पीनेस को लेकर आना चाहते हैं, लेकर आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सो गाइस आई होप आपके साथ में जो रीडिंग है रेजोनेट की हो। टिल द टाइम टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।